भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये कुछ चीजों में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आगे हैं पवन सिंह से। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस के धमाल मचाने वाले अभिनेता सुपरस्टार पवन सिंह आए दिन हमेशा चर्चाओं में रहते हैं खेसारी लाल यादव। लेकिन जो सबसे पहली बात सामने आती वो ये है, पवन सिंह से ज्यादा खेसारी लाल यादव चर्चाओं में रहते हैं, मीडिया के सोर्सों में बने रहते हैं। अपने दिए गए बयानों के कारण वो हमेशा मीडिया में ज्यादा चर्चा का विषय बने रहते हैं पवन सिंह से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, खेसारी लाल यादव के चटपटी खबरों को लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, लेकिन पवन सिंह के चटपटी खबरों को कम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है, पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव का पहला नंबर इस बात पे आता है कि वो कहीं भी कुछ हो दान देने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं जनता के चंदे के पैसे से अमीर बना हूं और उनके लिए कुछ ना करूं ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जो तीसरी बात सामने आती है वो ये है, भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला स्टार है या हम बॉलीवुड का भी कह सकते हैं, जो खेसारी लाल यादव से ज्यादा उनके बेटे कृति और ऋषभ चर्चाओं में रहते हैं और हमेशा आए दिन नए नए कार्यक्रम करते रहते हैं खेसारी लाल यादव के बेटे और चर्चा में आ जाते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है, यूट्यूब पर और गूगल पर खेसारी लाल यादव के गाने कम और उनके बयान ज्यादा सर्च किए जाते हैं, ये गूगल ट्रेंड का मानना है। खेसारी लाल यादव हमेशा ही अपने फैंस को अपने पल पल की खबरें देते रहते हैं ताकि उनके फैंस पूरी तरीके से खेसारी लाल यादव को फॉलो कर सके। लेकिन अगर बात की जाए पवन सिंह के, तो उन्हें सिंगिंग का देवता कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री का। उनके सुर में वो जादू है जो लाखों लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर देता है। तभी तो सुपरस्टार पवन सिंह के गाने जो राते दियाबुता के साथ करोड़ का सबसे बड़ा इतिहास बना चुका है। उम्मीद करते ये फिल्म काफी ज्यादा सुपरस्टार पवन सिंह की सुपर डुपर हिट हो और खेसारी लाल यादव की फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो। खेसारी की फिल्म का नाम है मुकद्दर, पवन सिंह की फिल्म का नाम है लुटेरे, जो कि जल्द ही आपस में टकराने वाली हो सकती है।